तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। फिर स्वागत करता हूँ मेरे और एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे। मेरा बात करो तो गाइस, तुम्हारा भाई आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई का आज दिल ना टूटा हुआ है। मेरे को आज मिल गया है धोखा। आज है वैलेंटाइन डे, तो आज मेरे को धोखा मिल गया है। किसने धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, कैसे धोखा दिया, सारा चीज़ बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं कुछ स्टेप से लोकेशन के पास बैठा हुआ हूँ, पेड़ के नीचे में आनंद ले रहा हूँ। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अपना किट्टो भी खड़ा है इधर पीछे में फुल पावर के साथ। अभी क्या है ना, मेरे घर में सीन हो गया था यार। किसी आदमी ने मेरे घर के पीछे में जो बारिश साइड ना पूरा आग लगा दिया था यार। आग इतना भयानक था ना, बुझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेले था, मम्मी पापा सब बाहर में गए थे। बड़ी मुश्किल से मैं अकेले, जो कि मैं पंप चालू करके मैं पानी के माध्यम से क्या है मैं आग बुझाया, नहीं तो हम लोग का घेरा पूरा जल जाता। आप लोग ये छोटा सा क्लिप देख लो जो कि घर में मैं शूट किया था। ये देख रहे हो ना, पूरा ब्लैक ब्लैक पूरा आग लग चुका था, अभी तक बुझा भी नहीं है। उधर देखो धुआं उड़ ही रहा है, अभी तक आग बुझा नहीं है। वहाँ पे भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, देख सकते हो। बड़ी मुश्किल से मैं जो है पाइप लगा के जहाँ हो सका उतना उतना मैं पानी की वजह से बुझा दिया पाइप लगा के, नहीं तो पूरा क्या है हमारा घेरा जल जाता और बैल बकरी घुस के हरा भरा जो भी साग सब्जी हम लगाए हैं सब खा देता। तो जैसा कि आपने देखा कि यार कितना बड़ा एरिया में आग फैला हुआ है और अभी तक आग जल ही रहा है, बुझा नहीं है। तो देखो गर्मी का सीजन है यार, बैल बकरी को वैसे भी हरा भरा खाने के लिए चारा मिलता नहीं है यार। खेत में जो बचा खुचा है वही खाते रहता है, और गर्मी का सीज़न में अगर आप लोग ऐसे ही आग लगा दोगे सब, तो जितना भी चारा होता है सब जल के नष्ट हो जाता है। तो बैल बकरी के लिए खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। पर आपसे मेरा रिक्वेस्ट यार कि आप ऐसा ना कभी भी कहीं पे भी आप बिना वजह का आप आग मत लगाया करो। तो गाइस अब बात करते हैं कि मेरे को धोखा कैसे मिला, किसने दिया। तो जो आपको पता होगा पिछले वीडियो में विभा जी जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने मुझे धोखा दिया। कैसे धोखा दिया बताता हूँ। आज है 14 फरवरी 2023 वैलेंटाइन डे, जो कि आपको पता है वैलेंटाइन डे यानी कि कपल लोगों का दिन रहता है। और दूसरा 14 फरवरी जो कि आज ब्लैक डे हुई है, जो कि पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे, उनको भी हम कभी भूल नहीं सकते यार। जितने भी शहीद जवान हैं वो अब हमेशा हमारे दिल में बसे रहते हैं, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। और दूसरा है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जो कि कपल लोगों का दिन रहता है। तो आज मैं सवेरे सवेरे विभा को कॉल किया कि आज वैलेंटाइन डे है तो चलो कहीं चलते हैं घूमने, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो वो मेरे को साफ साफ बोल दी कि मेरे को तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, साफ साफ मेरे को मना कर दी कि मेरे को तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं है। तो मैं पूछा कि यार क्या हो गया, क्यों ऐसे मना कर रही हो, क्या बात है। हुआ कुछ ऐसा, मैटर कुछ ऐसा है कि मेरे फ्रेंड का शादी था, दो तीन दिन पहले ही शादी ख़त्म हुआ है। तो शादी लड़कों का शादी चलता है, तीन चार दिन तक शादी लगातार चलता है। तो यार फ्रेंड का शादी है तो यार इन्जॉय करना तो बनता है। तो हम लोग फुल इन्जॉय कर रहे थे, दिन भर नाचते थे, रात भर भी नाचते थे। बहुत ही कम हम लोग को सोने का टाइम मिलता था, ज़्यादा हम लोग इन्जॉय ही करते थे। कभी कभार हम लोग घर का भी काम कर लेते थे। तो इसी तीन चार दिन हम लोग फुल इन्जॉय के चक्कर में ना मैं विभा जी को मैं टाइम ही नहीं दे पाया, मैं उससे बात ही नहीं कर पाया। तो वो मेरे से नाराज़ हो गई, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि यार वैलेंटाइन डे है चलो साथ में घूमने चलते हैं, तो वो नाराज़ हो गई। फिर बोल रही कि जब शादी में तुम मेरे लिए टाइम नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे लिए टाइम क्यों दूंगी। तो आज वो साफ साफ मना कर दी कि मेरे को आज के दिन तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं है। तो बस इसीलिए यार तुम्हारा भाई का आज ना थोड़ा दिल दुखा हुआ है। मैं कई बार बोला कि सॉरी मान जाओ चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं है। तो थोड़ा उदासी छाया हुआ है दिल पे। आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, उसका इंस्टा आईडी मैं दे दूंगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा विभा लकड़ा के नाम से। आप लोग जाके एक बार मैसेज करो यार, उनको बोलो कि यार तुम्हारे भाई का दिल दुख गया है, आप लोग बात करो, जाओ कहीं घूमने, थोड़ा मन बहलाओ, क्या पता शायद आप लोगों का बात मान जाए। बाकी यही कुछ मैटर हुआ है। तो मैं थोड़ा अभी बाहर आ गया था थोड़ा दिल बहलाने के लिए, ऐसा कुछ व्यू के पास में अभी बैठा हुआ हूँ। अपना किट्टू भी खड़ा है इधर पीछे में फुल पावर। ये अपना किट्टू यार हमेशा मेरे साथ रहता है, कभी ये ना धोखा नहीं देता है, कभी दगा नहीं देता है, हमेशा हमारे साथ में रहता है फुल पावर के साथ। तो आई लव दिस किट्टू एंड आई लव विभा। तो यार अब क्या बोलो, वो भी मेरा व्लॉग देखती है। वैसे ये वीडियो मैं बना तो रहा हूँ, पता नहीं अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, सोच विचार करेंगे उसके बाद अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। आप लोगों के साथ मैं ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ यार, क्योंकि ना मेरा दिल ना आप लोगों के साथ कनेक्ट है यार। आप लोग मेरे फैमिली समान मैं आपको मानता हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार में अपने लाइफ में जो भी चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जो यूट्यूब का जर्नी है यार, ये यूट्यूब का जर्नी ऐसा ही है कि यार अपने फैमिली में अपने साथ जो चलता है लाइफ में वो आप लोगों के साथ शेयर करना। जो बंदा शेयर करता है ना वही बंदा यूट्यूब पर आगे तक जा पाता है।
दिखाने को तो मैं बाइक कार बहुत कुछ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यार दिल में जो बातें हैं ना वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा तो किसके साथ शेयर करूँगा। और ये वीडियो क्या है, मैं यूट्यूब पे अपलोड अगर कर दूँगा ना तो कल के डेट में जब हम लोग का जब एज हो जाएगा, जब हम लोग बुढ़ापा के समय आ जाएंगे, तब हम लोग को क्या है ये वीडियो देखने में यानी कि थोड़ा अच्छा लगा कि हम लोग अपने टाइम में कैसे थे, पहले क्या करते थे, अभी कैसे हैं। तो जब एक टाइम आ जाएगा ना बुढ़ापे के समय में, तब हम लोग को ये मेमोरीज देखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अपलोड करूँगा नहीं करूँगा ये तो बात की बात है, सोच विचार करूँगा उसके बाद ही अपलोड करूँगा। बाकी आप लोगों का वैलेंटाइन डे कैसा रहा वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा कुछ तो आज बोलूँगा नहीं, बस दिल दुखा है तो आज मेरे को कुछ करने का भी मन नहीं किया। आग बुझाते बुझाते मेरा हालत ख़राब हो गया, मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, सीधा अभी बाइक लेके अभी इधर आ गया हूँ। तो 2 मिनट आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, अभी घर जाके नहाऊँगा क्योंकि मन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। मन कुछ और था कहीं घूमने फिरने का, लेकिन मज़ा नहीं आया, धोखा मिल गया। और आज का वैलेंटाइन डे मैं मना रहा हूँ अपने किट्टू के साथ। मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मेरा किट्टू हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तो अपने किट्टू को भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। बाकी आप लोगों का वैलेंटाइन डे कैसा रहा आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो आज के लिए इतना ही यार, वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो दिल की बातें था यार मैं आप लोग के साथ शेयर किया। गाइस कल ना मेरे साथ एक सीन हो गया था, मैं एकदम कम स्पीड में जा रहा था अपने किट्टू के साथ में, लगभग 10 से 15 की स्पीड में था। तभी क्या है, शाम को हाईस्कूल का छुट्टी होता है, छुट्टी जैसे ही हुआ वैसे ही एक बंदा एचएफ डिलक्स लेकर के आया, और एकदम ब्रांड न्यू उसका गाड़ी था, एचएफ डिलक्स था। दो बंदा बैठे थे, पता नहीं उनको चलाना भी आता था कि नहीं आता था। वो लोग क्या किया, सीधा स्पीड में आया और मेरे गाड़ी का ये जो सामने वाला ये जो चक्का है ना यहाँ पे ला के सीधा गाड़ी को ठोक दिए। मैं क्या है, बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को संभाला और गाड़ी को सीधा किया, मेरे को तो ठोका। उसके बाद में जो हाईस्कूल की जो लड़कियाँ जा रही थी ना पैदल रोड के किनारे, उनको भी जाके ठोक दे रहा था। तो ऐसा ऐसा बंदे लोग होते हैं यार। तो हाईस्कूल के बंदे लोग, अगर तुम लोग स्कूल जा रहे हो, ठीक करते हो, गाड़ी चलाने आता है तभी तुम लोग गाड़ी चलाया करना, अगर गाड़ी चलाने नहीं आता है तो तुम गाड़ी चला ही मत करना। खुद तो तुम ठुकोगे दूसरों को भी तुम ठोक डालोगे। मैं बाल बाल बच गया। उस टाइम मैं कैमरा, अच्छा हुआ कि मैं कैमरा लिया नहीं था, कैमरा लेता तो जो मंदा था उसको मैं बहुत सुना देता, मेरा कंटेंट भी बन जाता, क्या बोलते हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, विवाह को जाके मैसेज जरूर करना यार, मान जाएगा यार, अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, मिलते हैं इतना वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।